आपका जो बेसिक जीके होता है, जो बेसिक जीके है उसमें आपका लाइक क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी अवार्ड से भी आने की है। उसके अलावा आपके जो क्वेश्चंस हैं वो उत्तराखंड का जो जीके है वहां से भी आने। उत्तराखंड का जीके मुझे लगता है कि यहाँ के जो अदर एग्जाम्स भी हैं, चाहे वो बीकॉम का है या जिनके अंदर भी जीके के बारे में कुछ भी जीके आ रहा है, वहां पे उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, एक तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप दून यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं और दून यूनिवर्सिटी में आज आपको किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है, मुझे लगता है कि लाइक एक स्टेट के हिसाब से मैं यूनिवर्सिटी देखूँ तो वेल एंड गुड। जिसका भी क्वेश्चन है प्रेरणा जायसवाल, आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिख दीजिए, नो इशू। तो यहाँ पे जो एक इम्पोर्टेंट चीज हमें जो समझनी होगी वो समझनी ये होगी कि लाइक आपको जो पेपर के पैटर्न्स है, सैंपल पेपर से जो पैटर्न पता लगा, फॉर एग्जांपल किसी पेपर में इंग्लिश ग्रामर पूछा जा रहा है, तो इंग्लिश ग्रामर का जो पैटर्न है वो इतना आसान है कि मुझे नहीं लगता है कि आपसे नहीं हो पाएगा। हम ऑलरेडी जैसे जो सीयूईटी के आप लोगों को मॉक मिलते हैं, सीयूईटी वाले जो मॉक मिले हैं एग्जाम वर्ड में, आप सीयूईटी वाले जैसे इंग्लिश के जो मॉक है उनको भी आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपका आराम से हो जाएगा कवर। यहाँ पे इंग्लिश जो है वो यहाँ से आराम से इनसे कवर हो जाएगा, आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग वाला पार्ट जो है, तो रीजनिंग वाला जो पार्ट है इसको करने के लिए आपको क्या करना है, इसको करने के लिए आपको जो टॉपिक्स है, क्योंकि वहां पे मैथ्स नहीं आ रहा है, जैसे सीयूईटी के एग्जाम में मैथ्स है लेकिन यहाँ मैथ्स नहीं है, तो ये अच्छी बात है। जैसे रीजनिंग वाला पार्ट है इसको कवर करने के लिए आपको 8 से 9 टॉपिक जो उसमें है, बहुत आसान आसान से टॉपिक है, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, ऐसे क्वेश्चन, एनालॉजी तक, यानी कोडिंग डिकोडिंग से भी क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग जैसे जो क्वेश्चंस है वो मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी के लिए हार्ड होंगे। ठीक है, तो ये जो पार्ट है आपका रीजनिंग वाला पार्ट हो गया 9 से 10 टॉपिक्स वाला, ये भी आपके लिए काफी आसान है। ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको नहीं आता है तो वो आप ऑलरेडी, नितिन सर के मैराथन क्लासेस आज से स्टार्ट हो रहे हैं सीयूटी के लिए। ठीक है, तो आप अपना कमेंट सेक्शन डाल सकते हो डिस्कशन ग्रुप में, जो एग्जाम का डिस्कशन ग्रुप है, जो आप कमेंट कर सकते हो वहां पे, आप अपना पॉइंट लिख सकते हो कि आपको किस फील्ड में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। अब बहुत सारे स्टूडेंट का क्या कहना है कि आप लाइक क्लासेस जो होती हैं वो हर सब्जेक्ट पे करवाई जाए, तो वो तो देखिए संभव नहीं है हमारे लिए, लेकिन हाँ आप अपना सब्जेक्ट जो है वो मेंशन करिए कि ये सब्जेक्ट और इसमें मुझे इस पार्ट में डिफिकल्टीज आ रही हैं, उनमें आपकी हेल्प की जा सकती है। हर सब्जेक्ट की क्लास पॉसिबल नहीं है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दून यूनिवर्सिटी एक स्टेट यूनिवर्सिटी, तो उसके लिए क्लासेस कराने के लिए भी कम से कम एक नंबर ऑफ स्टूडेंट तो होने चाहिए। तो अभी स्टार्टिंग है, हो सकता है वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको किसी भी फील्ड के लिए अप्लाई करना है, देयर आर नो इश्यू। आपको पहला काम यही करना है, अगर दून यूनिवर्सिटी के एग्जाम बड़े आराम से निकालो, क्योंकि ज्यादातर बच्चे इसको बहुत लाइटली लेते हैं, मैंने नोटिस किया पिछले दिनों में। एग्जाम पे भी कोई अपडेट नहीं है, कल फाइनल करूंगा मैं, कल मॉर्निंग में फिर एडमिनिस्ट्रेशन वहां बात करूंगा, फिर क्लियर करूंगा मैं आप लोगों को। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट थॉट है वो ये है कि आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट इस एग्जाम को लाइटली लेते हैं कि शायद आराम से हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि दून यूनिवर्सिटी, जहां तक मुझे पता है स्टेट यूनिवर्सिटीज में, उसमें मैंने एक दून यूनिवर्सिटी ऐसे देखा जिसमें कई सारे कोर्सेज में बाहर के लोग भी अप्लाई करते, तो ऑफकोर्स अगर रिजर्व कैटेगरीज को छोड़ दिया जाए तो अनरिजर्व कैटेगरीज में काफी कॉम्पिटिशन टफ हो जाता है उस वजह से। तो आपको उससे बचना होगा, ऐसी गलतियां करने से बचना होगा कि हाँ ठीक है देख लेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप एग्जाम की जब तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एक कॉमन चीजों को लेकर चले, फॉर एग्जाम्पल आपका बीए है या बीकॉम है या फिर बीएससी भी है वहां पे। ठीक है, जो जो सब्जेक्ट हैं उन सबका मोस्टली आपके पास पैटर्न होगा। ठीक है, अगर पैटर्न आपके पास नहीं है अभी तो पैटर्न प्लीज डाउनलोड कर लीजिए, उसका जो एग्जाम पैटर्न है वो पता कर लीजिए पहले, वो सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तभी जाके आप लोग एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे और स्टेट के हिसाब से दून इज बेस्ट यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे जो पैटर्न है उसका बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी भी नहीं पता है कि आखिर आने आने वाला क्या है। ठीक है, एक दो स्टूडेंट्स मेरे पास मैसेज करके बोले कि सर हमने वहां पे स्पेनिश भरना है। ठीक है, स्पेनिश भरना है एमए में, बट पहले से पढ़ा हुआ नहीं है। और मेरा सवाल उनसे सीधा ये था, मैंने कहा आपने स्पेनिश भले ही नहीं पढ़ा है लेकिन उनका कहना था पेपर इंग्लिश में आता तो हम कर लेंगे। मैं मानता हूँ स्पेनिश एमए की आप तैयारी कर रहे हैं बहुत आसान है, क्योंकि पूरा स्पेन का जीके आता है इसमें, स्पेन का जीके, या चाइनीज में एमए करने के लिए सोच रहे हैं तो यहाँ पे चाइना का जीके आता है, बहुत सारी चीजें आपके लिए सहूलियत है। लेकिन अगर आप एमए के स्टूडेंट है ना दून यूनिवर्सिटी में, एमए के लिए अप्लाई करना, आपने पहले से स्पेनिश नहीं पढ़ा है, तो मेरे को एक बात बताओ एमए में जाके पढ़ोगे क्या?
जब आपको पहले से पता ही नहीं होगा कि स्पेनिश के बेसिक्स क्या है, चाइनीज के बेसिक्स क्या है, डायरेक्ट एमए में लैंग्वेज कैसे पढ़ लोगे। और मैं तो ये कहूंगा कि दून को पेपर भी उसी लैंग्वेज में बनाना चाहिए जैसे जेएनयू बनाता था। तो ये जो एमए वाले स्टूडेंट हैं जो भी अप्लाई किया लैंग्वेजेस में अप्लाई किया है, तो ध्यान रखें कि अगर आपके पास बैकग्राउंड है इन लैंग्वेजेस का तभी अप्लाई करें, नहीं अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं। आप रट रटा के एग्जाम निकाल भी लोगे एमए का, कोई फायदा नहीं होने वाला है वहां पे, ठीक है। तो एक तो ये चीज है। दूसरा क्या है कि आपको जैसे जब जीके की बात आती है आपके मन में कहीं ना कहीं एक सवाल उठता होगा कि क्या हम जब जीके की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें उत्तराखंड जीके पे कितना फोकस करना है, एक ये मन में रहता है कि उत्तराखंड जीके से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो उत्तराखंड जीके से जो क्वेश्चंस आएंगे वो बहुत बेसिक्स हैं, जैसे आपका जो वहाँ का फोल्क डांस वगैरह हो गया उससे रिलेटेड हो गया, ठीक है। आजकल जो नया ट्रेंड चल रहा है वो गवर्नमेंट से रिलेटेड भी आ रहा है, ठीक है, पुष्कर स्वामी जी से रिलेटेड हो सकता है क्वेश्चन देखने को मिल जाए, या कोई और को, ठीक है, या फिर एजुकेशन मिनिस्टर वहां के धन सिंह रावत, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले, वहां का जो गवर्नर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो गवर्नमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, तो इनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना। इसके अलावा वहां का जो बेसिक ट्रेडिशन है उसके ऊपर क्वेश्चन आप दे सकते हैं, देख सकते हैं। एक आपका आता है, एक क्वेश्चन मैंने बहुत सारे एग्जाम्स में अभी इस साल देखा है ट्रेंड होते हुए, वो ये आता है कि गंगा जो है वो भागीरथी से कहाँ आके मिलती है, कौन सी जगह आके मिलती है, बताओ। इंजीनियरिंग के टॉपिक में बता दूंगा, उसका लिस्ट शेयर कर दूंगा तुम्हारे साथ एग्जामवट ऑफिशियल में, ठीक है। आप मुझे एक सवाल, मैंने अभी कई रिसेंटली बहुत सारे एग्जाम्स में देखा है कि गंगा जो है वो किससे, भागीरथी से कहाँ मिलती है, देवप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में, कहाँ मिलती है, प्रयाग में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी, देवप्रयाग रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग है ना, मेरे को एक्चुअली आइडिया नहीं है सीरियसली, मैं कंफ्यूज हो रखा हूँ इन दोनों में। तो गंगा जो है ये देवप्रयाग में मिलती है, तो ये क्वेश्चन भी जो है ये पूछे जा रहे हैं। तो ज्योग्राफी में दो तीन चीजें हैं, एक तो ये हो गया, दूसरा क्या है कि आपके वहां पे जैसे जो आपके वहां पे टाइगर रिजर्व वगैरह है उनसे रिलेटेड, ठीक है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, रिजर्व जो है, ठीक है। और आपका जो है क्वेश्चन जो आ सकता है वो आ सकता है वहां का, क्योंकि दो तीन चीजें ही हैं, एक चीज वहां पे, क्योंकि देहरादून की अगर हम बात करें, देहरादून में इंडियन गवर्नमेंट के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, जैसे फॉरेस्ट से रिलेटेड सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूशन देहरादून में है, और भी कई इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि देहरादून में है या उत्तराखंड के अलग अलग जगहों पे हैं। तो वो आपको ध्यान में रखना होगा कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस वहां पे हैं, उनके बारे में थोड़ा पढ़ना होगा, ठीक है। इसके अलावा जो क्वेश्चन और आ सकता है यहाँ पे वो यहाँ का, क्योंकि यहाँ एक क्वेश्चन आपको याद होगा कि पहले ये उत्तर प्रदेश का पार्ट हुआ करता था उत्तराखंड, तो आपको याद है उत्तराखंड यूपी से अलग होके कब बना नया स्टेट, कब डिवाइड हुआ था, 2000 या 2002, तो ये 2000 में, 2000 में उत्तराखंड जो है वो उत्तर प्रदेश से अलग होके एक नया राज्य बना था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है और ये पूछा भी जाता है, ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि पूछा नहीं जाए। उसके अलावा अगर हम बात करें, दूसरा पॉइंट जो आता है वो आता है कि यहाँ पे जो आपके क्वेश्चंस और आते हैं, नवंबर 2000 ही था ना, हाँ, उस टाइम और भी स्टेट बने थे, जैसे मध्य प्रदेश से अलग होके आपका वो बना था, क्या नाम है, छत्तीसगढ़ बना था एक साथ, और बिहार से अलग होके झारखंड बना था, तो उस टाइम इंडिया में तीन नए स्टेट बने थे एक साथ, झारखंड, छत्तीसगढ़ और इधर अपना कौन सा, ये वाला उत्तराखंड, तो ये तीन स्टेट थे। अब यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया कि इस तरह का जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है, और बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि कोई गलत कर सकता है इस क्वेश्चन को, और ये केवल यूजी में नहीं बल्कि मास्टर्स तक में भी पूछा जाता है। अब देखिए आपका कुछ क्वेश्चन जो आते हैं वो स्ट्रीम से रिलेटेड आते हैं, ठीक है, स्ट्रीम रिलेटेड। अब स्ट्रीम रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो देखिए किस तरह के आते हैं, आपका बीए है तो बीए लैंग्वेज में है कुछ क्वेश्चन आपके, वो लैंग्वेज वाले जो कंट्री रिलेटेड है, या फिर आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने कुछ लैंग्वेज के जो कहेंगे सेंटेंस है उनके बारे में पूछ लेता है। इसके अलावा आप बीकॉम के फील्ड में जाएंगे तो आपका यहाँ जो रिलेटेड फील्ड है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, साथ ही साथ आगे और भी जो सब्जेक्ट है उनमें कहीं ना कहीं जो स्ट्रीम जिसके लिए आपने अप्लाई किया उसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। बाकी चीजें जो है हम क्लासेस में बहुत अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यहाँ पे आपको जो आपका स्ट्रीम है
वो क्लियर होना चाहिए कम से कम। बहुत सारे स्टूडेंट्स का स्ट्रीम क्लियर नहीं है जो कि इतने कम टाइम में पूरा करवा पाना हमारे लिए भी संभव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बीकॉम है या फिर हम बीए की बात करें और भी एग्जाम्स की बात करें, तो उनमें स्ट्रीम अच्छे से क्लियर करिए कि आपका स्ट्रीम जो है वो आपके कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है। बहुत हार्ड क्वेश्चन उसमें भी नहीं आते हैं, लेकिन कम से कम स्ट्रीम क्लियर होना चाहिए। कैलकुलेटर जो जिन सब्जेक्ट्स के लिए मैंडेटरी होता है वो हर एग्जाम में अलाउ होता है, ऑल्दो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी अलाउ होता है। तो वो डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट क्या डिफिकल्टी लेवल क्या है। तो ऑफकोर्स जो आपका कॉमर्स रिलेटेड है तो डेफिनेटली देना चाहिए उन्हें। इसमें आपका जो मानसिक क्वेश्चन आता है वो आता है सभी का, बीए के लिए तो सब कंट्रीज, पांचों कंट्री पढ़नी पड़ेंगी, और पांचों कंट्रीज के प्रॉपर पीडीएफ्स भी दिए हुए हैं और क्लासेस भी उसकी फिनिश हो चुकी हैं, उनमें से कुछ यूट्यूब पे अपलोड है और एक दो जो है वो हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका 5 कंट्रीज जो है पूरा कवर करना होता है। एडमिट कार्ड मैं कितनी बार बता चुका हूँ, एडमिट कार्ड का अभी डेट नहीं आया, मुझे कल का टाइम दो, कल मैं वहां पे फिर बात करूंगा एंड डेफिनेटली कल मैं फाइनल कर दूंगा आप लोगों की कब एग्जाम होगा आपका। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में कंफर्मेशन लेने के बाद, क्योंकि बहुत सारे आप जो यूट्यूब उस पर देख रहे हो, गूगल पे देख रहे हो, वहां पे लिखा है 31 को या 20 को है, तो ऐसा ऐसा थोड़ी है कि आज 17 तारीख हो गई कल बोलेंगे एडमिट कार्ड, परसों बोलेंगे एग्जाम दे दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अभी एग्जाम मोस्टली जाएगा 31 के अराउंड में, तो देखना होगा कि कब एक प्रॉपर डेट आ रहा है। ठीक है, 31 के अराउंड में होगा या अगस्त के फर्स्ट वीक में होगा, क्योंकि इन्होंने डेट एक्सटेंड काफी किया ना दून वालों ने, फॉर्म का डेट बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे, तो बढ़ता ही रहा, तो ये चीज है थोड़ा, इस वजह से एग्जाम लेट हो गई हो। 12th के रिजल्ट के बाद भी हो सकता है, क्योंकि 12th का रिजल्ट जो है वो भी जुलाई लास्ट में आएगा कुछ स्टेट्स में बाढ़ आने की वजह से। 15 अगस्त के आसपास, अब 5 अगस्त और 15 अगस्त में फर्क ही क्या बचता है। सीबीएसई का रिजल्ट आपका जुलाई लास्ट में आएगा, सीयूईटी के कारण नहीं है एक्चुअली में। सीयूईटी एग्जाम के लिए क्या ले जाना होता है, आपको अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है, किसी भी एग्जाम के लिए वही सेम होता है, आपका आईडी, एक आईडी लेके जाइए और एक वो ले जाइए क्या नाम है आपका एडमिट कार्ड आईडी, और पेन वगैरह ले जाना चाहे तो ले जा सकते हैं। हाँ, ऑफलाइन होता है, हाँ 2 फोटो, बस ये 3 चीजें चाहिए होती हैं, और तो कुछ चाहिए नहीं होता है। और यही रीजन है कि ये पहले भी करा था, इनको तो खाली स्कूल या कॉलेज कुछ भी मिल जाएगा उसमें हो जाएगा, तो वही चीजें हैं कि दून के एग्जाम के लिए ज्यादा घबराने की जरूरत तो नहीं है आपको, बस जरूरत ये है कि आप अपना कम से कम कंसेप्ट क्लियर कर पाए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट क्लियर होना, ज्यादातर बच्चों का यही क्लियर नहीं है, यही क्वेश्चन मार्क लगा बैठा है। मैं डिस्कशन ग्रुप में कई बार देखता हूँ कि स्टूडेंट्स के कंटिन्यू सेम मैसेज आ रहे होते हैं कि लाइक हम इसकी तैयारी कर रहे हैं, हमारा पैटर्न क्या है। लैंग्वेजेस का प्रायर नॉलेज चाहिए होता है, लैंग्वेज का प्रायर नॉलेज नहीं चाहिए होता है, कुछ क्वेश्चन आते हैं जैसे जेएनयू में भी आते थे, जेएनयू में हमेशा जापानीज लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन आते थे, दून इसमें एफ्लू जो है हैदराबाद में लैंग्वेज का, उसमें क्वेश्चन जो आते थे वो उससे आते थे, क्या नाम है आपका जर्मनी से ज्यादातर। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जैसे लैटिन लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, या फिर कोई वर्ड दे देगा, ठीक है, कोई वर्ड दे देगा और वर्ड का इंग्लिश मीनिंग पूछ लेता है, तो कुछ मैं उसी पैटर्न पे ऑलरेडी मेरे पास है कुछ कंटेंट, तो मैं शेयर कर दूंगा ताकि एक बार पढ़ लेना। ठीक है, बुक एंड ऑथर पे क्वेश्चन आता है, वो तो देखो सब एग्जाम्स में आता है, और बुक एंड ऑथर जो है वो कंट्री वाइज ऑलरेडी एडेड है, बाकी इंडिया के हिसाब से पीडीएफ जो है वो मैंने सीयूईटी के लिए दिया हुआ है, सीयूईटी के लिए दिया हुआ पीडीएफ है, वो आप एग्जाम वट ऑफिशियल में से ले सकते हैं जाके। ठीक है, एग्जाम वट ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल में, वहां पे मिल जाएगा आपको बुक एंड पीडीएफ। प्रोस्पेक्ट्स में किसी के लिए टॉपिक मेंशन नहीं है एक्चुअली में, जो पैटर्न है वो किस तरह से है कि जैसे अभी जैसे प्रेरणा ने बोला कि वहां पे सिनोनिम्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए एंटोनियम सिनोनिम्स की आप बात करोगे तो वो हर एग्जाम में आते हैं। ठीक है, हर एग्जाम में आते हैं। कल सीयूईटी का एग्जाम हुआ था, आप में से कईयों ने लाइव सेशन हमारा देखा होगा कल जो हम बता रहे थे, अब सीयूईटी के हम 6 एंटोनियम दे दिए। ठीक है, अब एंटोनियम चलिए कोई अच्छे इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड का है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट आज भी एंटोनियम और सिनोनिम को देखते ही छोड़ देते हैं, आते ही नहीं उसमें, क्या करें, कौन सा आंसर सही होगा, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो थोड़ा सा जो है वो आपको फोकस करके काम करना होगा, प्रैक्टिस सेट हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे और टेस्ट सीरीज जो है वो सबके लिए पेड रहेगा, तो वो जो भी रहेगा सब्जेक्ट वाइज वो हम बता देंगे आपको कल तक,
कि कैसे आपको उसे लेना है। क्लासेस जो है वो आपके लिए लाइव यहाँ पे चल रही है फ्री। दूसरी जो चीज है वो है कंट्री स्पेसिफिक क्या क्या आता है। तो कंट्री स्पेसिफिक जो क्वेश्चन आते हैं वो या तो राइटर से रिलेटेड आते हैं, राइटर से रिलेटेड आ सकते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चंस आते हैं आपके वो आते हैं खासकर पॉलिटिशियंस जो है, ठीक है। नहीं, जिन्होंने दो बार पे नहीं कर रहा हूँ, जिन्होंने किया हुआ है उनका ऑलरेडी है। पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, उसके अलावा गेम से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आता है। आप एक काम करिए, जो पीडीएफ अवेलेबल है एग्जाम वर्ट ऑफिशियल में, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ कंटेंट अवेलेबल है, तो उस कंटेंट को पढ़ लीजिए। जो लोगों ने बीए अप्लाई किया हुआ है, पांच पीडीएफ है, पांच की पांचों पीडीएफ चार्ट डालिए बिल्कुल, ठीक है। इतना टफ नहीं है कि हो नहीं पाएगा या बहुत ज्यादा मुश्किल भरा काम है, ऐसा नहीं है। इसका लैंग्वेज वाला कोर्स है वो आराम से अपना चीजों को कर सकते हैं, और उनका कंटेंट भी हो, बीकॉम वगैरह के जो परेशान है उनके सॉल्यूशंस भी आज और कल में मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो जिनको लग रहा है कि यार मेरे लिए तो ये काफी मुश्किल होता जा रहा है, तो मुश्किल नहीं होने देंगे चीजों को। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों का एग्जाम जो है बहुत स्मूथली जाए और आप लोग ज्यादा परेशान ना हो। इसके लिए अलग अलग एग्जाम, आपका एक ही एग्जाम होगा लेकिन पेपर सेम होता है आपका। आप चाहे किसी भी लैंग्वेज में अप्लाई करिए, पेपर एक ही होगा आपका। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया हुआ है कि जैसे फ्रेंच में अप्लाई कर दिया, उसके बाद उन्होंने स्पेनिश में भी अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि दोनों के लिए फॉर्म अलग अलग भरे गए, इसका मतलब दोनों के लिए एडमिट कार्ड भी अलग अलग आएंगे, और एडमिट कार्ड अलग अलग आएंगे इसका मतलब आप एक शरीर के दो इंसान तो बन नहीं सकते कि आप दोनों पेपर अटेम्प्ट कर लेंगे एक ही दिन में। तो यहाँ पे आपको केवल एक ही लैंग्वेज भरना था, एक ही सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना था, और इसी एक ही सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना था। दुए के डिजाइन कोर्स का कौन सा कोर्स है आपका, जो बैचलर ऑफ डिजाइनिंग वाला, इंग्लिश एलिमेंट्री सिविलाइजेशन लैंग्वेज लैंग्वेज स्किल एप्टीट्यूड लैंग्वेज स्किल्स का, इंग्लिश एंड एलिमेंट्री नॉलेज ऑन द कल्चर एंड सिविलाइजेशन लैंग्वेजेस कंट्री कंसर्न एप्टीट्यूड फॉर लैंग्वेज स्किल्स, ये सब। एप्टीट्यूड फॉर लैंग्वेज स्किल का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने आपको बताया ना कि कुछ कुछ आपको वर्ड दिए जाते हैं, ठीक है, वो उस कंट्री की लैंग्वेज से रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिंकानसेन दे दिया, दे दिया। अब सिंकानसेन क्या होता है जानते हो? सिंकानसेन क्या होता है पता है? सारी कंट्री पढ़नी पड़ेंगे। ये ट्रेन है, एक्चुअली बुलेट ट्रेन। जापान के अंदर बुलेट ट्रेन को क्या कहते हैं? सिंकानसेन कहते हैं। जो सैंपल पेपर में दिया हुआ है मानसी वो क्वेश्चंस आएंगे, सैंपल पेपर इन्होंने रेडी किया वैसा ही पैटर्न रहता है। देखो ऐसा है आदित्य कि आप अगर दून में अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपको कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं मिलती है, कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं मिलती है, देन डेफिनेटली दून ज्वाइन कर सकते हैं आप। क्योंकि दून यूनिवर्सिटी का जो टीचिंग की बात करूं या फिर बात करूं वहाँ के एकेडमिक्स की, तो जितना मैंने पता किया है वहाँ अपने सीनियर्स के थ्रू, तो ये है कि वो लोग डे बाय डे चीज़ों को बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हर एक चीज में वो कोशिश करेंगे वो परफेक्ट बन पाए और एक अच्छा यूनिवर्सिटी तैयार हो पाए स्टूडेंट्स के लिए। तो वहाँ पे अच्छा काम होता है, रिसर्च के ऊपर भी अच्छा काम होता है। तो अगर आपको कोई अच्छा सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं मिलता, फॉर एग्जाम्पल आपका प्लान जेएनयू है, बीएचयू है, या फिर हम कहें कि डीयू है, किसी टॉप यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, या किसी टॉप अदर इंस्टीट्यूशन, एनआईएफटी, अगर आपको डिजाइनिंग में जाना है तो एनआईएफटी का काफी अच्छा होता है, तो आप उनमें से किसी में अगर नहीं जा पाते हैं देन आप दून को एक बैकअप रख सकते हो। और स्टेट यूनिवर्सिटी है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की तरह। ग्राफिक एरा कैसा रहेगा बैकअप के रूप में दून की जगह, उसको रख सकते हो। लेकिन ये चीजें ये है कि तुम्हारा अंश एक चीज ध्यान में रखिए कि कोशिश करिए किसी सेंट्रल इंस्टीट्यूशन के लिए, ठीक है, स्टेट की जगह, अगर ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज आप करना चाहते हो। बिकॉज मैं एक ही एडवाइस दूंगा, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में अप्लाई करते हैं, किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में अप्लाई करते हैं, तो बेटर ये होता है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस में जाइए। उसका फायदा ये होता है कि आपको प्लेसमेंट बहुत अच्छे मिलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा मिलता है, और साथ ही साथ आपको एक पूरा लॉबी मिलता है आपके सीनियर्स का, जो कि दुनिया के अलग अलग कोनों में बैठे हुए आपकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। तो वो एडवांटेज आपको एक स्टेट यूनिवर्सिटी जो अभी स्टेब्लिश हुई है उनमें नहीं मिलता है। क्योंकि दून की बात करो तो 2005 स्टेब्लिश है। दून का पेपर इजी आएगा, मॉडरेट, मॉडरेट कह सकता हूँ मैं, इजी तो नहीं कहूंगा, मॉडरेट तो आएगा ही, क्योंकि बच्चों को कंपटीशन क्लियर करके दून पहुंचना है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है लेवल स्टैंडर्डाइज तो रखेगा ही रखेगा। 2022 जेएनयू में एडमिशन टफ है क्या?
जेएनयू में यह है कि सीयूईटी के थ्रू हो रहा है। अगर मैं बीए की बात करूं तो बीए में 500 में से 380 वाले को जेएनयू मिल जाएगा, और अगर मैं पीजी की बात करूं तो पीजी का पेपर 300 का है, तो जो लोगों ने पीजी अप्लाई किया जेएनयू में उनको इस साल 250 से लेके 280 के बीच में मार्क्स लाने पड़ेंगे, उनका ही सिलेक्शन होगा। 280 270 में आपको अच्छे कोर्सेज जेएनयू में मिल जाएंगे। जेएनयू से इजी है, काफी इजी है जेएनयू से। इनका जेएनयू का इंग्लिश भी थोड़ा टफ होता था। नंबर ऑफ सीट 25 25 सीटें हैं वहां पे बीए कोर्सेज में दून में, 25 25, ठीक है। तो ये सारी सीट्स का क्राइटेरिया वहां पे है, और मैं सबको एडवाइस करूंगा, अगर आप में से कोई स्टूडेंट एमए की तैयारी कर रहा है और उसने अगर अभी तक सीयूईटी पीजी नहीं भरा है, प्लीज सीयूईटी पीजी फिल कर दो। सीयूईटी का पीजी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे फिल कर दो आपको, और ट्राई करो कि देश की टॉप यूनिवर्सिटीज में जा पाओ। उसके कई फायदे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे, आप बहुत बड़े बड़े जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं यूपीएससी जैसे, तो उनके जो मेंस के सब्जेक्ट होते हैं वो काफी हद तक मैच करते हैं जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटीज में जो मास्टर्स में सिलेबस में पढ़ाया जाता है। आपका आधा काम तो वो आसान कर देता है। तो कोशिश करिए कि देश की टॉप यूनिवर्सिटीज की तरफ जाइए, वो चाहे फिर आप बीए के स्टूडेंट हैं या फिर एमए के स्टूडेंट हैं। एफलू का कम पे मिल जाएगा, एफलू का 320 मैक्सिमम 350, इससे ऊपर नहीं जाएगा, 350 से अप नहीं जाएगा। एफलू मैक्सिमम 350, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं। अगर आपके पास कैटेगरी है तो ये और भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो एफलू का क्या होता है कि एफलू में मोस्टली नॉर्थ इंडियन नहीं जाते हैं, प्रॉब्लम ये है। और दूसरा क्या कि एफलू को लेके अवेयरनेस आज भी नहीं है। कई स्टूडेंट आज भी पूछते हैं, जब जेएनयू का पता है, लैंग्वेज कोर्सेज होते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आपको प्रोफेशनली बहुत अच्छा करना है तो जेएनयू की जगह लैंग्वेज केवल करने एफलू चले जाइए। वहां पे क्या कि सारी कंपनी वहीं पे है, आपको इंटर्नशिप इतनी ज्यादा मिलती है। उसके बाद आप अगर नॉर्थ इंडिया से, आपका इंग्लिश इतना अच्छा हो जाएगा कि आप इतना बेहतर कर पाएंगे जो कि जेएनयू में संभव नहीं, क्योंकि जेएनयू नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स का पूरा गढ़ रहता है, तो कहीं ना कहीं इंग्लिश का वो एक वो माहौल नहीं है जो कि एफलू में है। एफलू में कट मैनेजमेंट ठीक नहीं, थोड़ा सा है इशू मैनेजमेंट को लेके, लेकिन कहीं ना कहीं पढ़ाई को लेके काफी ठीक है। दून एंड एफलू में दून प्रायोरिटी होनी चाहिए होगी आपकी। देखो कंप्लेंट तो यहाँ जेएनयू में भी बहुत है, ठीक है, कंप्लेंट तो आप देश में कहीं चले जाइए वो खत्म नहीं होंगे। आप ये प्रेरणा डिपेंड करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने कितना अप्लाई किया है, ठीक है। लेकिन जनरल कैटेगरी वाले कहीं हो, स्टेट में हो या फिर हो सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी इंस्टीट्यूशन में, उनको 75% तो मिनिमम है, ठीक है। इससे कम में तो मैंने देखा नहीं आजकल कट ऑफ जाती है कहीं, आप भले स्टेट के हो या नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये थोड़ा सा ये है कि कहीं ना कहीं 75% का स्कोर लेके तो चलो, अगर सही में एडमिशन अच्छे कोर्स में लेना है तो, ठीक है। और रिलेटेड टू सब्जेक्ट, जब भी आप हेल्प मांगने के लिए मैसेज करते हो तो दो काम किया करो, कम से कम अपना सब्जेक्ट मेंशन किया करो। और कईयों का तो सीधा होता है कि सर हमें पैटर्न ही पता नहीं, पैटर्न बता दो जल्दी से। तो प्लीज थोड़ा सा जब भी आप मैसेज करते हो तो एक तो अपना सब्जेक्ट बता दिया करिए, ठीक है, कि आपने किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया है और कहाँ डिफिकल्टी आ रही है। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल जीरो पे हो, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपने अप्लाई किया तो आपको सब्जेक्ट का प्रायर नॉलेज होगा। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, आपको जो भी हेल्प चाहिए, ठीक है, आप जो व्हाट्सएप पे मांगते हैं, अपना टॉपिक कम से कम लिखना मत भूलिए। फॉर्म में करेक्शन करके एफ्लू अभी अब नहीं डाल सकते, कुछ नहीं हो सकता है अभी। एफ्लू अच्छा है, फ्यूचर के हिसाब से बहुत अच्छा है, इंग्लिश वालों के लिए भी बहुत अच्छा है वो। और इंग्लिश वालों के लिए तो एक और आराम है कि इंग्लिश वाले लखनऊ कैंपस में पढ़ सकते हैं, वो केवल इंग्लिश होता है वहाँ पे लखनऊ कैंपस में, ठीक है। तो लखनऊ कैंपस दूर भी नहीं है, नॉर्थ इंडिया में भी है। तो एफ्लू का जो लखनऊ कैंपस है वहाँ पे आप इंग्लिश कर सकते हो बीए, वास्तव में काफी अच्छा है उसका, लैंग्वेज कोर्सेज बहुत अच्छे हैं, प्लेसमेंट सेल भी बहुत अच्छा है उसका। चलिए ठीक है, हम लोग आपके सब्जेक्ट्स मेरे पास आ चुके हैं, और भी किसी को कोई दिक्कत है? एडमिट कार्ड का अभी डिटेल नहीं आया है, दून में ठीक होते हैं, लेकिन फिर भी आपको खुद के कनेक्शंस भी क्रिएट करने पड़ेंगे अंश, केवल दून के भरोसे नहीं हो सकता है। ठीक ठाक है, रीजनिंग के टॉपिक्स में भेज दूंगा। करंट अफेयर आपको कंट्री से पढ़ना होगा, करंट अफेयर मोस्टली आपका जो आएगा वो
जैसे हम लोग ट्यूसडे को मैराथन कराएंगे, 500 MCQ कराऊंगा लास्ट के 6 मंथ के करंट अफेयर्स के, तो ये 500 मैराथन कर लीजिएगा, मोस्टली आना होगा यहाँ से आ जाएगा।